Assalamu alaikum dear students, how are you all? My name is Muhammad Junaid and I am here to teach you physics class 9th. Aaj hum start karenge chapter number 3 ka topic uniform circular motion. Aaiye start karte hain aaj ka lecture. Chapter number 3 dynamics on the topic uniform circular motion. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन को कि सर्कुलर मोशन क्या होता है. सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. किसी भी बॉडी का एक सर्कल में मूव करना सर्कुलर मोशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ फेरस व्हील. यू फेरस व्हील जो है वो एक सर्कल में मूव करता है तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है. इसी तरह जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड एक सर्कल में घूमता है तो उसका भी सर्कुलर मोशन है. सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी इन अ सर्कल. सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि बॉडी को एक सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये मतलब है कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो. सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी. जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है मोशन ऑफ द बॉडी का. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया और फिर उसका जो स्ट्रिंग है उसका एक सिरा हमने अपने हाथ में पकड़ा और उसको इस तरह घुमाया तो जो स्टोन है उसके अंदर इनर्शिया होती है, वो इनर्शिया कोशिश करती है ताकि ये स्टोन सीधा चला जाए. लेकिन उसके बरअक्स जो स्ट्रिंग हमने हाथ में ऐसे पकड़ा है वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उसको अपने सेंटर की तरफ खींचता है ताकि ये बाहर ना चला जाए. और ये फोर्स जो उसको बाहर ना जाने देता है इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. होप कि आपको इस टॉपिक का समझ आ गया होगा. एग्जाम्पल, मोशन यानी मून मूव्स अराउंड द अर्थ. जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही मोशन करता है. लेट्स अ बॉडी ऑफ मास एम मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर. दिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी इज गिवन बाय. यानी जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बराबर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर. अब आप के जहन में ये क्वेश्चन पैदा हो चुका होगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो गया. एक्सेलरेशन तो तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आती हो. अब यहाँ पर बज़ाहिर तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही लेकिन हर लम्हा उसका डायरेक्शन चेंज होता है, बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है. जब हम उसे इस तरह हाथ में पकड़े होते हैं और उसको इस तरह घुमाते हैं तो हर एंगल पर उसका डायरेक्शन चेंज होता है. तो इसी वजह से डायरेक्शन चेंज की वजह से जो कि आउटवर्ड कोशिश करता है उसको हमने ऐसे माइनस से शो किया और जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी यहाँ पर हमने वेलोसिटी लिखी. अब फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी. यहाँ पर हम ए सी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू को पुट करते हैं जो कि ये है.
एफ सी इज इक्वल टू एम और ए सी हमारे पास बराबर है वी स्क्वायर अपान आर का, और ये हमारा फाइनल फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज समटाइम कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टडी करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होने के साथ साथ एक और भी फोर्स प्रोड्यूस होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ये न्यूटन की जो थर्ड लॉ है उससे हमें पता है कि एवरी एक्शन का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर भी जब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी प्रोड्यूस होता है जो कि आउटवर्ड कोशिश करता है ताकि ये बॉडी सीधा चले जाए। लेकिन इन टर्न ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको तामे रखता है। अब उसके जो मिसालें हैं वो ये है, बैंकिंग ऑफ रोड यानी ये एप्लीकेशन है जहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स दैट द आउटवर्ड एज ऑफ अ रोड इज रेज्ड। जब हम रोड को बनाते हैं तो जहाँ पर मोड आते हैं तो मोड में हम रोड का सिरा जो है ना उसको हम इस तरह रेस्ट करते हैं यानी रेस्ट बनाते हैं, और वो इसलिए ताकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते ही ये जो गाड़ी हम चलाते हैं वो बाहर ना चली जाए। यहाँ पर फ्रिक्शन फिर ज़्यादा हो जाती है और उसी फ्रिक्शन की वजह से जो गाड़ी है वो खुद मोड़ने की कोशिश करता है और सीधा चलने से रोक देता है। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न, इट प्रिवेंट्स स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल। ये इसके फायदे हैं बैंकिंग ऑफ रोड के। वॉशिंग मशीन ड्रायर्स, व्हेन वॉशिंग मशीन ड्रायर्स स्पिन एट हाई स्पीड द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथेस इज फोर्स्ड आउट थ्रू द होल्स इन ड्रायर ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ड्रायर मशीन के अंदर भी यही फिनामिना है क्योंकि वहाँ पर जो हाई स्पीड ड्रायर होता है जो स्पिनर होता है वो हाई स्पीड के साथ स्पिन करता है और क्लॉथ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो पानी के कतरे जो होते हैं वो ड्रायर में से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और कपड़े फिर सूख जाते हैं। क्रीम सेपरेटर में भी यही फिनामिना इस्तेमाल होती है क्योंकि वो हाई स्पीड के साथ घूमता है और जो क्रीम होते हैं बटर फैट जिसको कहते हैं वो सेंटर पे आ जाता है और जो हैवी अशिया होते हैं वो साइड पे चले जाते हैं। होपफुली आपको लेक्चर का समझ आ गया होगा। मुझे नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।